तो अभी दोस्तों कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ ही समय नहीं, मतलब कल ही लॉन्च हो गया था हीरो का ही एक्सट्रीम 160R4B। लेकिन हाँ, अभी के डेट में एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि ये जो हीरो एक्सट्रीम 160R4B है ना, तो उसका ही एक बड़ा भाई जो है तो वो बहुत जल्दी अभी लॉन्च होगा इसी इंडियन मार्केट में। और इसके अलावा ये भी कुछ अभी बोला जा रहा है कि ये जो न्यू एक्सट्रीम वाला जो मॉडल अभी आएगा ना, तो वो 400cc वाला मॉडल होने वाला है, जिसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है जो कि है हीरो का जो ये न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R4B जो कल लॉन्च हुआ था ना, तो अभी के डेट में कुछ बोला यही जा रहा है कि उसी 160R4B का ही जो एक बड़ा वर्जन है तो वो लॉन्च हो जाएगा इसी इंडियन मार्केट में अगले साल के अंदर अंदर। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है ना तो वो लोगों का कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, बोला कुछ यही जा रहा है कि ये जो न्यू हीरो एक्सट्रीम वाला जो मॉडल अभी आएगा, मतलब कि बड़े बड़े सीसी के अंदर, मतलब कि 400 से लेके 440cc के अंदर अंदर। अब बस ये जो एक बात है ना, तो ये उनके ही बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जो है ना तो वो पैदा हो गया। और असल में ये सवाल नहीं, ये है कॉन्फ्यूजन। और ये जो कॉन्फ्यूजन है ना, तो ये है कि देखो, हीरो कंपनी के पास ना दो तरीके का इंजन है, जिसके अंदर एक जो है ना तो वो है 440X वाला, जो कि हार्ले डेविडसन का देखने को मिला है, मतलब 440X नहीं 440 वाला। और एक जो है ना तो वो है हीरो कंपनी के पास वो रैली बाइक के अंदर दिया हुआ 420cc वाला, जो कि लिक्विड कूल वाला इंजन है। अब देखो दोस्तों, इंजन जो है ना तो वो तो दो तरीके का है, जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा लगभग एयर कूल के जैसे, मतलब एयर कूल और ऑयल कूल वाला जो है, तो वही वाला एक जो इंजन है तो वो दिया गया है हार्ले डेविडसन X440 के अंदर। तो वो वाला एक अलग से इंजन है, जिसके अंदर आपको जो पावर है ना तो वो 400cc के अंदर रहते हुए भी कम ही देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन जो है ना लोगों का उसी इंजन के ही मैक्सिमम पावर के लिए, तो वो है कम से कम 20 से लेकर 30 bhp के अंदर अंदर। हाँ, उसके अंदर आपको जो टॉर्क है तो वो ज्यादा देखने को मिलेगा bhp से, मतलब ये जो सीन है ना तो यही है। लेकिन हाँ, एक और भी चीज है जो कि है ये जो नाम से जो एक न्यू बाइक जो आएगा ना एक न्यू इंजन के साथ, तो ये जो है तो ये अगर लिक्विड कूल इंजन के साथ में आता है, मतलब कि जो इंजन रैली बाइक के अंदर दिया गया है 420cc के अंदर अंदर, तो वो वाला अगर इंजन आता है ना इसी न्यू एक्सट्रीम नाम के साथ, तो इसके अंदर डेफिनेटली जो पावर है तो वो 40 bhp तक जो है तो वो भी देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर वो रैली बाइक के अंदर जो इंजन दिया गया है ना, तो वो वाला इंजन अगर इसी न्यू एक्सट्रीम 420cc वाले नाम से अगर कुछ आता है, या फिर 420cc वाले वो इंजन के साथ में आता है, तो इसके अंदर आपको जो पावर देखने को मिलेगा तो वो 40 bhp वाला देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम जो टॉर्क है तो वो भी 37 तक जो है तो वो NF का कुछ जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा, और साथ में 6 feet का जो गियर बॉक्स है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। अब ये जो कुछ चीजें है ना, तो ये कुछ चीजों को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉन्फ्यूजन अभी कुछ ऐसा ही है कि ये जो हीरो एक्सट्रीम का जो एक न्यू 400cc वाला जो मॉडल आएगा, मतलब 400cc नहीं, मतलब 400 से लेकर 440cc के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा वाला इंजन दिया जाएगा। मतलब कि कुछ लोग तो ये भी अभी कह रहे हैं कि ये जो हीरो का जो एक्सट्रीम वाला जो न्यू मॉडल आएगा तो उसके अंदर 420cc वाला एक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, या फिर उसी जगह पर कुछ ये भी लोग बोल रहे हैं कि ये जो हीरो कंपनी की तरफ से जो न्यू एक्सट्रीम वाला जो मॉडल आएगा तो उसके अंदर आपको जो हार्ले डेविडसन वाला जो X440 वाला जो इंजन है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। अब देखने वाला बात तो कुछ ऐसा ही है कि फ्यूचर में हीरो कंपनी जो है तो वो कौन सा वाला इंजन को लॉन्च करता है अपने न्यू एक्सट्रीम वाले नाम के साथ और एक न्यू बाइक के साथ। वैसे तो हाँ, अभी रेट में ये भी कुछ कहा जा रहा है कि जो न्यू एक्सट्रीम जो एक मॉडल आएगा तो उसके अंदर आपको जो हाँ देखने को मिलेगा एक चीज जो कि कॉन्फर्म है अभी रेट में, और वो है कि जो USD सस्पेंशन सेटअप है तो वो सामने देखने को मिलेगा, और उसके ही साथ साथ जो पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर है उसी बाइक के तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हाँ दोस्तों, ये भी कुछ सीन है कि हीरो कंपनी की तरफ से न्यू जो 400cc से लेके 440cc के अंदर एक जो न्यू बाइक आएगा एक्सट्रीम नाम से, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक के साथ साथ जो डुअल चैनल ABS वाला जो ऑप्शन है तो वो ही। और इसके अलावा ये भी कुछ चीज है कि न्यू वाले एक्सट्रीम के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो भी आपको लगभग सारा ही जो है तो वो LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। बाकी है ये भी कुछ सीन है कि जो न्यू एक्सट्रीम जो मॉडल आएगा तो उसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल है ना, मतलब 400cc से लेकर 440cc के अंदर जो बाइक है तो उसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल है तो वो भी आपको पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला जो है तो वो एक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी रेट में ये भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो हीरो कंपनी की तरफ से जो एक्सटेक वाला फीचर है ना तो वो कुछ दे दिया जाएगा। वैसे है इसी बाइक के ही रिलेटेड बहुत सारे लोग एक चीज के बारे में चिंतित है, और वो है कि इसी बाइक का जो लुक्स है ना
तो वो किस तरीके का होगा? अब सच बताओ तो दोस्तों, ये जो सवाल का जो जवाब है ना, तो ये भाई मेरे पास अभी है नहीं, तो इसी वजह से मैं भी तो अभी क्लियर तरीके से ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये जो हीरो का जो एक्सट्रीम का जो बड़ा वर्जन है तो इसके अंदर लुक्स किस तरीके का होगा। लेकिन ये जरूर से जान लो कि भाई हीरो कंपनी की तरफ से अभी इसी 2023 या फिर 2020 साल के बाद जितने भी जो भी कुछ बाइक्स आया है ना, तो उन सभी के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरीन सा लुक्स देखने को मिला है। तो इसी वजह से मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि हीरो का ये जो एक्सट्रीम का जो बड़ा वर्जन आएगा ना, तो इसके भी अंदर जो लुक्स है तो वो भी काफी ज्यादा गजब का जो है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।